मुस्लिम लीग का नेता होने के बावजूद अवामी लीग, रिपब्लिकन पार्टी, कृषक श्रमिक पार्टी और निजामे इस्लाम पार्टी ने मिलकर इस्माइल इब्राहिम चुंदरीगर को पाकिस्तान का छठा वजीर आजम बनाया था। लेकिन जब चुंदरीगर ने राष्ट्रपति को चुनने वाले इलेक्टोरल कॉलेज में बदलाव की कोशिश की तो राष्ट्रपति इस्कंदर अली मिर्जा ने भी विरोध कर दिया। साथ ही उन्हें वजीर आजम की कुर्सी पर पहुंचाने वाले रिपब्लिकन और अवामी ने भी विरोध कर दिया और 55 दिन के अंदर ही चुंदरीगर को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। फिर अवामी लीग, नेशनल अवामी पार्टी और कृषक श्रमिक पार्टी की मदद से रिपब्लिकन पार्टी के नेता सर फिरोज खान नून पाकिस्तान के 7वें वजीर आजम हुए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों पर आधारित खास सीरीज तख्ता पलट में आज बात पाकिस्तान के 7वें वजीर आजम सर फिरोज खान नून की, जिन्हें हटाने के बाद पूरे पाकिस्तान में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अंकन। 1947 में पाकिस्तान के बनने के बाद सर फिरोज खान नून ही वो पहले शख्स थे जिन्हें तब पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने सऊदी अरब और दूसरे इस्लामिक मुल्कों में भेजा ताकि वो इस्लामिक मुल्कों में पाकिस्तान की अहमियत कायम कर सकें और दुनिया को बता सकें कि अब उनके सामने एक और मुल्क है जो पूरी तरह से इस्लामिक है। इसका एक मकसद ये भी था कि इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान को मान्यता दें और साथ ही एक नए बने इस्लामिक मुल्क को आर्थिक मदद भी दें ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। सर फिरोज खान नून अपने मकसद में कामयाब भी रहे थे। 1950 में पाकिस्तान के वजीर आजम रहे लियाकत अली खान ने फिरोज खान नून को पूर्वी पाकिस्तान का गवर्नर बना दिया। लेकिन फिरोज खान नून की व्यक्तिगत दिलचस्पी पश्चिमी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में थी। वो पूर्वी पाकिस्तान के सियासत में जरा भी दिलचस्पी नहीं ले रहे थे और यही वजह थी कि जब भाषा के नाम पर 1952 में पूर्वी पाकिस्तान बनाम पश्चिमी पाकिस्तान की लड़ाई शुरू हुई तो उन्होंने इस लड़ाई को रोकने की कोई सियासी पहल ही नहीं की, बल्कि वो ढाका छोड़कर पंजाब लौट आए। हालांकि नवंबर के आखिरी महीनों में कुछ दिनों के लिए उन्हें फिर से पूर्वी पाकिस्तान का गवर्नर बनाया गया था, लेकिन 1953 में जब पंजाब में जमात इस्लामी ने अहमदिया मुस्लिमों के खिलाफ दंगे शुरू कर दिए और जब वहाँ के मुख्यमंत्री मुमताज़ दौलताना उस दंगे को रोकने में नाकाम रहे तो प्रधानमंत्री रहे ख्वाजा नजीमुद्दीन ने मुमताज़ दौलताना को पद से हटा दिया था और उनकी जगह ली थी तब पूर्वी पाकिस्तान के गवर्नर रहे सर फिरोज खान नून ने। लेकिन 1955 आते आते फिरोज खान नून मुस्लिम लीग से अलग हो गए और वो रिपब्लिकन पार्टी के साथ चले गए। उन्हें रिपब्लिकन पार्टी का अध्यक्ष भी बना दिया गया। इस्कंदर मिर्जा के राष्ट्रपति बनने के बाद फिरोज खान नून को हुसैन सुहरावर्दी की सरकार में विदेश मंत्री भी बना दिया गया। ये सरकार 3-4 पार्टियों की मिलीजुली सरकार थी जिसमें मुस्लिम लीग, अवामी लीग और रिपब्लिकन पार्टी के अलावा छोटी पार्टियां भी शामिल थीं। अवामी लीग के सुहरावर्दी के इस्तीफे के बाद मुस्लिम लीग के चुंदरीगर वजीर आजम बने थे और उनके इस्तीफे के बाद नंबर था रिपब्लिकन पार्टी के नेता का और तब फिरोज खान नून रिपब्लिकन पार्टी के निर्विवाद नेता थे जिन्हें अवामी लीग के साथ ही नेशनल अवामी पार्टी और कृषक श्रमिक पार्टी ने भी समर्थन देकर वजीर आजम बना दिया। 16 दिसंबर 1957 को सर फिरोज खान नून ने पाकिस्तान के 7वें वजीर आजम के तौर पर शपथ ली थी। वजीर आजम बनने के बाद नून ने दो बड़े काम किए जिससे राष्ट्रपति इस्कंदर अली मिर्जा को अपनी कुर्सी पर खतरा नजर आने लगा। वजीर आजम नून का पहला बड़ा काम था ग्वादर बंदरगाह को पाकिस्तान के साथ लेकर आना, जिसके लिए उन्होंने ओमान के सुल्तान के साथ समझौता किया था और $3 मिलियन देकर ग्वादर को अपने कब्जे में ले लिया था। नून का दूसरा बड़ा काम था कश्मीर समस्या को सुलझाने के लिए भारत के साथ समझौते की दिशा में कदम बढ़ाना। नून के इस कदम से राष्ट्रपति इस्कंदर अली मिर्जा खुद को असहज महसूस करने लगे। इस पर तो रहिए कि 1958 में जब इस्कंदर अली मिर्जा का कार्यकाल खत्म हो रहा था तो 4 पार्टियों की गठबंधन की सरकार चला रहे फिरोज खान नून ने इस्कंदर अली मिर्जा को फिर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने से मना कर दिया। उनकी अपनी रिपब्लिकन पार्टी के साथ ही उन्हें सहयोग दे रही अवामी लीग, नेशनल अवामी पार्टी और कृषक श्रमिक पार्टी ने खुद का राष्ट्रपति बनाने का फैसला किया। इससे राष्ट्रपति इस्कंदर अली मिर्जा नाराज हो गए और फिर उन्होंने 7-8 अक्टूबर 1958 की रात अपने ही बनाए प्रधानमंत्री को पाकिस्तानी सेना की मदद से सत्ता से बेदखल कर दिया और पूरे देश में
मार्शल लॉ लगा दिया गया, पाकिस्तान का संविधान भंग कर दिया गया, असेंबली भंग कर दी गई, प्रांतों की सरकारें भंग कर दी गईं, पाकिस्तानी सेना के मुखिया जनरल अयूब खान को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया और उन्हें ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर राष्ट्रपति की ओर से नामित कर दिया गया। 8 अक्टूबर 1958 से ही पूरा पाकिस्तान सेना के अधीन आ गया। अपनी आज़ादी के महज 11 साल के अंदर ही पाकिस्तान में लोकतंत्र के बजाय तानाशाही लागू हो गई और सब कुछ सेना के हवाले हो गया। लेकिन इसका जो गुनहगार था उसे तो अभी और भुगतना था। पाकिस्तान की इस हालत के लिए जिम्मेदार इस्कंदर अली मिर्जा ही थे जिन्होंने पूरी सत्ता जनरल अयूब खान को सौंप दी थी और 20 दिन के अंदर ही अयूब खान ने इस्कंदर अली मिर्जा को भी पद से बर्खास्त कर उन्हें लंदन निर्वासित कर दिया। अब अयूब खान ही सब कुछ थे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेना प्रमुख, सब कुछ। तख्ता पलट सीरीज के अगले एपिसोड में देखिए कहानी नूरुल अमीन की, जो 13 साल के मार्शल लॉ के बाद हुए चुनाव में पाकिस्तान के 8वें वजीर आजम बने, लेकिन 13 दिनों के अंदर ही उन्हें भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। आज के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे अनकट।